ओ यार इतने दिन हो गए फेरेरो रोशर नहीं खाई थी, आज फेरेरो रोशर खाऊंगे, इट्स गोना बी सो मच फन, टेस्टी टेस्टी। रुक, क्या हो गया, इतनी देर से क्यों चिल्ला रहे तू? फेरेरो रोशर ही तो खा रही थी मैं। भूल गई तू, हमने वादा किया था आज हम 24 आवर्स खाएंगे सिर्फ जायंट फूड, और तू ये खा रही है छोटी सी फेरेरो रोशर। छोड़, जल्दी छोड़, छोड़ इसको, नीचे रख, वापस रख उसे। ओ यार मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी गाइस, आज हम 24 आवर्स खाने वाले हैं सिर्फ जायंट फूड्स। पता नहीं कैसा होने वाला है, आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड। तो चलो फिर फेरेरो रोशर बनाते हैं, थोड़ी वाली फेरेरो रोशर, इतनी वड्डी, मेरे जितनी वड्डी और तेरे जितनी मोटी। चलो इतने किलो की बनने वाली है, आई एम एक्साइटेड। आओ चलो फिर बनाते हैं फेरेरो रोशर। गाइस इसने तो आफत अपने सिर पे ले लिया, मुझे नहीं पता ये फेरेरो रोशर कैसे बनने वाली है। इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ बिकॉज चॉकलेट, वो भी इतनी बड़ी, मतलब 5-10 किलो की ये बनाने की बात कर रहा है, और इसको पता है मैं कुकिंग में माशाल्लाह कितनी ज्यादा बढ़िया हूँ, कुछ नहीं आता बनाना। कैसे बनाऊ मैं? मत करो, रन लो, कल मैं तेरी असिस्टेंट बन जाती हूँ। तो तू क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कैसे करी है? सारे चॉकलेट कंपाउंड को लेके इसमें मेल्ट करेंगे। मैं करूँ? नहीं, ये ना यार, पहले मेरे से कराने की कोशिश तो कर, देख मैं कर भी पाती हूँ या नहीं। नहीं, यहाँ पे खोल खोल के सारे मिल्क कंपाउंड डाल, इसको तोड़ ऐसे हैमर से लेके। ओ भाई, इसको यूं तोड़ करके इसके अंदर डाल। इतना मुश्किल काम है ये तो। चल यार, ये मुश्किल काम ऐसे मत तू अपने सन्नी पाजी के डोलो से कर लेगा, मैं किससे करूंगी, मेरा डोले नहीं है। करो, प्रेरणा करने वाली है, सबसे डिफिकल्ट काम इस चॉकलेट मेकिंग का। फेरेरो रोशर बन भी पाएगी? और था नहीं, कुछ तो बनेगा। और मुझे थॉर जैसी फीलिंग आ रही है कि मेरे पास हैमर है और मैं थॉर बन चुकी हूँ। देख रहा है तू? अब प्रेरणा इस सारी चॉकलेट को मेल्ट कर। मेल्ट कर दूं? अब हम दोबारा से इसको मेल्ट करेंगे ना, अपनी शेप देंगे इसको। अपनी शेप देनी है? यस। आई लाइक द शेप ऑफ यू। प्रेरणा जल गई, जल गई, जल गई, स्मेल आ रही है। अबे फैशन शो होने चल रहा है यहाँ पे। अरे डरा क्यों रहा है यार तू? मैं एज अ प्रोफेशनल शेफ आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी चॉकलेट को नीचे लगने नहीं देना पैन पे, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी, ऐसा मुझे शेफ हर्ष ने बताया। कॉट आज तेरे लिए। मैं समझ चुकी हूँ क्रंची देख के। यस। मुझे ये सारी खानी है। आर यू कॉमेडी मी? तेरे को सारी तोड़ के ना एकदम मुशी मुशी करके इस पाउल के अंदर डालनी है। मुछोड़ के कुचोड़ना है? यस, मुछोड़ के कुचोड़ना है। मैं सोच रही थी कराटे किट की तरह से तोड़ दूं। हाँ, और बहुत सारे पीसेस करने। तू तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है यार। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पन्नी में पन्नी, पन्नी में पन्नी, ओ माय हनी, इतनी क्रंची, ठीक है, बहुत सारी। एंड इन द मीन टाइम मिस्टर हर्ष ने चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है। तो एक तरफ हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और एक तरफ हमारी क्रंची जो है मैंने सारी यहाँ पे बॉल के अंदर कर दी है इकट्ठी। तेरा नेक्स्ट काम है हेजलनट को रोस्ट करना है। ये हेजलनट्स हैं, इनको रोस्ट कर। अबे ये तो छोले हैं। अबे हेजलनट है यार, फेरेरो रोशर में जो वो होता है ना क्रंच क्रंच जो टेस्ट आता है वो हेजलनट ही तो होते हैं यार। हम इसे करेंगे रोस्ट, लेट्स डू इट। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रेरणा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गाइस अब मुझे आदेश मिला है कि मुझे ये सारी चॉकलेट इसके अंदर डालनी है। सारी डालनी, थोड़ी समझ गई, समझ गई यार, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ओ वाव यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है, ASMR लग रहा है बिल्कुल। ये तेरी आउटर कवरिंग है पूरी, चॉकलेट है, मतलब सुन ले। नहीं अबे जायंट खाना था यार, फिर वही कर रही है ना तू गलती यार। यू विल बी एलिमिनेटेड प्रेरणा। बनाते बनाते इंग्रेडिएंट्स टेस्ट कर सकते? नहीं कर सकते, इसमें कोई नमक मिर्च थोड़ा डल रहा है। तो जाना तो यही है मेरे पेट के अंदर, जायंट होके जाना। मेहनत कराता है यार ये। तो गाइस देखो, इसने मुझे बोला न्यूटेला को हमें माइक्रोवेव करना है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ ब्लास्ट भी हो सकता है। आई डोंट नो, नहीं होगा, गॉड प्लीज सेव मी। सबसे ज्यादा टेम्पटिंग काम होने वाला है अब यहाँ। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरूर बताना। मेरे मेरे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है दो आइडेंटिकल बोल, हर्ष जल्दी से इस पे ऑयलिंग कर दे। पता नहीं बचपन से ना मुझे वो ऑयली ऑयली चीजों को हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हर्ष ही करने वाला है। ये देखो कितनी लगन से, कितनी मेहनत से कर रहा है। हो गया सर, चलो। यार प्रेरणा पूरा दिन तो इसको बनाने में ही निकल गया यार, हम क्या खाएंगे, भूख लग रही है यार। तो जल्दी करना, जल्दी जल्दी। और अब हम इसे फ्रीज करेंगे। यस, चलो फिर इसे फ्रीज करने का टाइम आ गया है, मजा आएगा यार।
से 3 घंटे हो चुके हैं। आई थिंक हमारी चोको बॉल्स रेडी हैं। अगर फ्रीजर में से निकलने के बाद उनकी कंसिस्टेंसी सही हुई तो हम उन्हें जोड़ देंगे एंड हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो चलो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स चेक आउट। फाइन फेरेरो रोशर, क्या बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, लेट्स चेक इट आउट। ओह, हर्ष ने फुल टेम्परेचर कर दिया था भाई, बिल्कुल सॉलिड हो गई है। कितना बड़ा डोला बन गया, एकदम मजा आ गया, 2-4 किलो का होगा कम से कम। अब हम इसमें भी डालेंगे चॉकलेट। तो चलो गाइस ये फेरेरो रोशर को कंप्लीट करते हैं। Oh my God, इतनी बड़ी फेरेरो रोशर बनी है। अब इसमें ना बहुत सारी चॉकलेट डालनी है, फिर इसकी यहाँ से पैकिंग करनी है। ओ भाई, इसको यहाँ से चिपकाना है और फिर इस पे हेजलनट चिपकाने हैं। ओके। मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली चॉकलेट लगाते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतने प्यार और आसानी से बन जाएगी। अब इसकी चॉकलेट से डेकोरेशन होगी। Can we skip to the good part? भाई चॉकलेट फाउंटेन बन रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में। आर्ट एंड क्राफ्ट, भाई मजा आ गया जिंदगी का। ऐसा चॉकलेट बॉल कभी नहीं सोचा था मैं बनाऊंगी, इन्हीं प्यारे हाथों से बनाया मैंने। हर्ष, मेरी लाइफ की पहली फेरेरो रोशर मैंने अपने हाथ से बनाई है, मैं इसे ना काटूंगी। क्यों? मैं नहीं खाऊंगी। भाई पागल है क्या, फिर खाएंगे क्या ब्रेकफास्ट में? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं खाने दूंगी, इतना अच्छा बना है। इतनी मेहनत से बनाई है, खाएंगे तो जरूर। भाई 20 किलो का हो चुका है। ओ भाई इतनी बड़ी फेरेरो रोशर मेरे मुंह से भी बड़ी। इसका वेट करें कितना है? चल तो स्पेशली हम इस फेरेरो रोशर को वे करने वाले और पता करने वाले कितना, तू बता कितना होगा, कितने के जी? मेरे हिसाब से होगी ये 2 किलो की। आर यू किडिंग मी? तेरे हिसाब से 6 या 7 किलो की होगी कम से कम। चलो लेट्स मेजर। 3 किलो, आई वॉज राइट। सीरियसली यार, मेरे को तो लगा था कम से कम 8 किलो की होगी, बहुत भारी लग रहा था। इससे पता लग रहा है मैंने कभी कुछ नहीं उठाया जिंदगी में। प्यारी समझ गई। चलो इसको अब रैप करते हैं। एंड हमारा फेरेरो रोशर रेडी है। वाओ, अभी इस पे स्प्रे रह गया। गाइस हमारी फेरेरो रोशर रैप भी हो चुकी है, अब जैसे तूने इसे बनाया वैसे ही खाएगा भी, इतनी मेहनत करके। अब खाएंगे इसको, बड़ी मेहनत लगेगी, पता है टूट नहीं तो रही, बड़ी बाइट होनी चाहिए। ओह माय गॉड, कैसा है? उससे बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, सच बता रहा हूँ। गाइस इतनी मेहनत लगती है सब चीजें बनाने में, इससे अच्छा तो चॉकलेट अलग, हेजलनट अलग और क्रंची अलग ही खा लेते। मतलब जायंट कैसे होगी? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स खा लो, पेट में जाके तो वैसे फेरेरो रोशर बननी है। प्रणम, नेक्स्ट चीज क्या बना के खिला रही है तुम मेरे को? जायंट, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती, बाहर से कुछ खा लेंगे, पहले ये खा ले फिर बाहर से कुछ खा लेंगे। ऐसा करते हैं जायंट पिज्जा खाने चलते हैं। क्यों, बना देना तू। अगर इस वीडियो पे 300 के लाइक्स आएंगे तो मैं जायंट पिज्जा बनाऊंगी, आज बाहर से खाया था। चलो गाइस चलते हैं, इससे पहले कुछ बोले ये खा लेते हैं पहले थोड़ा। पेड़ा तो काटा ही नहीं जा रहा, इसको तोड़ रहा हूं मैं। क्या फायदा हुआ बेचारे का, एक बार बताओ बना तो लिया इतना जायंट, खाया जाने का खाना, इसको तोड़ के ही हमें। करेक्ट बोला रे। एंड ये हर्ष सर लेके आ रहे हैं जायंट पिज्जा। ये तेरे 1 महीने का पिज्जा है, ये ले। अबे तो पूरा ही नहीं आ रहा, अंदर ही नहीं आ रहा, पीछे से रखता हूं। ओ, इसको अकेले को 2 सीट चाहिए। एग्जैक्टली। ओके गाइस, तो हर्ष मेरे लिए लेके आया है मेरी फोटोज का एक पूरा कैनवस बना के। हाँ हाँ, और ये जो पिज्जा लिखा है, इतने बड़े बॉक्स के अंदर मेरी फोटोज ही हो सकती है और ये कुछ तो ये नहीं लिखा है ना। The giant pizza slices, सीरियसली हम पिज्जा खाने वाले, इतना बड़ा फेरेरो रोशर खाने के बाद भी। 24 आवर चैलेंज लिया है और वो भी जायंट फूड चैलेंज लिया, तो पिज्जा नहीं खाया तो क्या खाया? टू ह्यूज। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, मेरे को डर लग रहा है। पता है मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा पिज्जा बनाऊं, फिर मैंने कहा उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रही बनाने की ना। चलो खोल के देखते हैं मॉन्स्टर पिज्जा, 25 इंच का मॉन्स्टर पिज्जा। ला पिनोस, क्या कर रहे हो तुम? आबरा कैडाब्रा, ओ माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना बड़ा पिज्जा। चलो जल्दी खा के बता इसका टेस्ट कैसा है। अरे मैं कह रही हूँ सबको बुला ले, पता है इतना सारा पिज्जा हम दोनों तो खा नहीं पाएंगे, पार्टी करते हैं सारे दोस्तों को, पिज्जा पार्टी। चल लेट्स कॉल एवरीवन। एग्जैक्टली, कौन कौन मॉन्स्टर पिज्जा खा सकता है पूरा, मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, कंपटीशन करेंगे मेरी तरफ से फ्री मॉन्स्टर पिज्जा। एक स्लाइस भी नहीं खा सकती मैं इसका पूरा। इसका एक स्लाइस ना एक पिज्जा के बराबर है। एग्जैक्टली,
बाप रे। सच में मेरी साइज देख, मुंह से भी बड़ा साइज है। Yes, it's bigger. यम यार, टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसके बाद मैं कुछ खाना चाहूंगी। हाँ, कॉफी जरूर पीना चाहूंगी। बट जाइंट कॉफी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखता जा तू, मैंने जगह ढूंढ ली है, तू भी खा ले यार, खा ले, अच्छा है, टेस्टी है। मैदान में आ गया हर्ष। हर्ष कितने स्लाइसेस खा सकता है? मैक्सिमम एक। क्या बात कर रहे हैं, तुझसे मैं उम्मीद बेहतर करती थी। नहीं खा पाऊंगा, अब्बू को बुला, वो खा ले दो तीन स्लाइसेस। एग्जैक्टली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, कैसा लग रहा है? प्रणा मुझे सच्ची में ना, ये तेरे बड़े बड़े फूड वाले चैलेंजेस ना बहुत पसंद है यार। इसमें ना एक्चुअली खाने को में इतना मजा आता है, इतनी सारी चीजें मिल जाती है ना खाने को। खाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। पर इसका बेस भी बहुत थिक नहीं है, इसलिए बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। मुझे भी सेम यही चीज लगी। एक्चुअल में गाइस बहुत डिफरेंट पिज्जा है, मतलब आई थिंक मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। मजा आ गया यार, इतना मीठा खाने के बाद ना ये चीज कुछ अलग है। कोल्ड ड्रिंक जॉइंट पीनी पड़ेगी, पूरी थम्स अप की नहीं, दो लीटर वाली बॉटल पी लेगा। रहने दे, तेरे सामने पड़ा हुआ भी इतना बड़ा लग रहा है यार। वैसे गाइस, कौन कौन चाहता है कि हम जॉइंट बर्गर बनाए घर पे? एक बार ट्राई तो करना चाहिए, कैसा बनेगा पता नहीं। Many hours later. यार इतना सारा खा लिया, मुझे ना कॉफी पीनी है, बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। ना कॉफी कोई जॉइंट वाइंट नहीं आती, आज पूरे दिन जॉइंट खाना ना, तो कॉफी कैंसिल। अच्छा, तुझे पता है हम कहाँ पे? यहाँ पे ये मॉन्स्टर कॉफी बनाते हैं, इतनी बड़ी जॉइंट कॉफी। देखता जाती, ऐसा भी कुछ होता है? देखता जाती वॉच, इतनी बड़ी कॉफी पीना। सीरियसली देख रहे यार, मैं पी लूँ? नहीं। हाँ वैसे तुझे पीनी पड़ेगी, मैं अकेले पीऊंगी। मैंने तुझे बोला था ना, आज मैं कॉफी नहीं मॉन्स्टर कॉफी पीने वाली हूँ। हाँ यम, लव इट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल सिर्फ पूरा दिन ना अपना जिम में निकालना पड़ेगा, आफ्टर सो मेनी जायंट थिंग्स। यम, आया तेरे लिए था, खा मैं रहा हूँ। हाँ यार, स्टार्ट कर, तूने खाना है यार। ओके गाइस, इट्स वेरी टेम्पटिंग, बट साथ ही साथ इसमें कम से कम नहीं तो 2000 कैलोरीज तो होंगी और मेरे जिम का सत्यानाश होने वाला है। बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज मेरे तो टेम्पटिंग है, ब्राउनी खाते हैं। सदियों बाद मैं ब्राउनी खाने वाली हूँ। अब एक हफ्ते तक ना कॉफी मांगी ना कुछ और खाना। ज्यादा खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी। यम यार, मजा आ गया। बहुत अल्टीमेट है प्रणा, इसके बाद कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। सीरियसली, इसके बाद भी तुझे कुछ खाना है। एंड ऑफ डे। तो गाइज, लिटरली 400 किलो खाना खाने के बाद पूरे दिन में, एक्चुअली 400 नहीं, कितने किलो खाया होगा? हमने खाया होगा कम से कम 2000 किलो। ये तो कुछ भी बोलता है। 5-6 किलो खाना खाने के बाद मुझे लगता है हमें जिम जाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई। ईटिंग जॉइंट फूड जैसा चैलेंज अगर हम हफ्ते में एक बार भी करने लग गए ना, क्या हाल होगा हमारा पता है तेरे को? हम सुपर जायंट हो जाएंगे। मुझे नहीं बनना गाइस, मुझे तो डर लगता है सब सोच के, इसलिए मैं आज के बाद जायंट फूड्स दोबारा नहीं खाने वाली। आप जरूर ट्राई करना हमारी ये रेसिपीज। तो वी होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।